सोलन के सिली रोड के समीप काफी समय से पानी की पाइप लीक कर रही थी, जिसे दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग में बड़ा सा गड्ढा कर दिया। गड्ढा करने के बाद ना तो पाइप को ठीक किया गया और ना ही गड्ढे को भरा गया। अब जहां एक और गड्ढे से निकलता पानी लोगों की समस्या का कारण बना हुआ है, वही गहरा खड्डा भी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। इस खड्डे में आने जाने वाले लोग भी गिर सकते हैं और गाड़ियां भी इसमें फंसने लगी हैं, जिसकी वजह से नगर परिषद की कार्यप्रणाली लोगों के लिए एक समस्या बन गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि पानी लीक होने की वजह से पाइप को रिपेयर करने के लिए नगर परिषद द्वारा ये गड्ढा किया गया था, लेकिन गड्ढे को नगर परिषद खुदवाकर भूल गया है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले वाहन इस गड्ढे में फंसने लगे हैं और गड्ढे की वजह से ही यहां पर लंबा जाम भी लग रहा है। कई बार इस जाम में एम्बुलेंस भी फंस चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद ना जाने क्यों इस गड्ढे को भर नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उनकी कई गाड़ियां पार्किंग से निकलते ही इस गड्ढे में फंस रही हैं, जिसके चलते लोगों को काफी असुविधा हो रही है और दुर्घटनाएं होने का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। इसलिए वे चाहते हैं कि नगर परिषद इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरे, ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये जो गड्ढे कमेटी वालों ने किए हुए हैं, इनको कम से कम कोई 20-25 दिन हो गए और बोलते हैं कि इसमें कोई पानी लीक है, मान जाते हैं कि हम पानी लीक है, तो इसका कोई समाधान नहीं किया। अभी तक भी गड्ढे खुले ही हैं, ना इनको कोई पाइप मिला इसमें, ना कोई ज्वाइंट मिला इसको, और यहाँ पे अक्सर जाम लगा रहता है। हॉस्पिटल के नज़दीक है, साथ ही पार्किंग भी है इसमें। हॉस्पिटल करके ही बहुत दिक्कत आती है जी, यहाँ पे हमेशा जाम में फंस जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है, डीसी साहब की गाड़ी आती है वो भी फंस जाती है कई बार। और यहाँ देखो गड्ढे, तीन गड्ढे किए हुए हैं इन्होंने, इसका कोई समाधान ही नहीं किया अभी तक। एक नहीं, यहाँ पे 2-3 गड्ढे किए हुए हैं, और इसमें जो है कल की बात बताऊँ अगर मैं अपनी, तो यहाँ जाम लग गया था। मैं गाड़ी निकाल रहा था पार्किंग से, तो मेरी गाड़ी का एक टायर घुस गया इसमें। फिर मैंने इनसे पार्किंग वालों से हेल्प ली और उसके बाद जो है गाड़ी निकाली गई बड़ी मुश्किल से इसमें से। तो ये कमेटी वालों का काम सिर्फ गड्ढे खोदना है, बाकी इसको दोबारा हट के भरते नहीं हैं ये। और यहाँ से जो परेशानी हो रही है लोगों को, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो सबके लिए परेशानी है। ये कमेटी वाले कुछ करके राजी नहीं है, गड्ढे खोद गए हैं ये। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ यहाँ पर, मेरी गाड़ी अक्सर यहाँ पर लगती है, तो ये तो हालात ये हैं कि बस खड्डा खोद दो, उसके बाद जो मर्जी होता रहे। देखो जी, आम जनता के लिए भी समस्या वाली बात है और हमारे लिए भी समस्या वाली बात है, क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे हॉस्पिटल रोड है, हॉस्पिटल नज़दीक है, तो एम्बुलेंस वगैरह क्रॉसिंग के लिए बहुत जाम लग जाता है यहाँ पे, और क्रॉसिंग हो नहीं पाती उस हिसाब से। बल्कि हालांकि कल ही की बात है ये कि इसमें 2 गाड़ियाँ तो अंदर गई है, वो हमें पता है कि हमने किस कंडीशन से निकाली है, और यहाँ पर जाम तो बहुत ही लग रहा है इस वजह से, और आम जनता के लिए भी बहुत परेशानी का मामला बन रहा है ये। और इसको कम से ज़्यादा नहीं तो 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अब इसके ऊपर कुछ नहीं। इन्होंने देखो 2 खड्डे यहाँ की है, एक वहाँ किया है, बट इस पर कोई वो नहीं लिया जा रहा है एक्शन, और पानी इसमें से दिन रात चला हुआ है। पता नहीं पाइपें फटी है कि क्या हुआ, अब इन्होंने जगह जगह खड्डे किए हैं, पाइपें इनको कहीं मिल नहीं रही है। अगर ये खड्डे कर रहे हैं बट इनको फिर बंद भी करने चाहिए, ये नहीं खुले छोड़ दिए जाए, इससे आम जनता के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, पैदल चलने वालों को भी और गाड़ी वालों के लिए। तो क्रॉसिंग के लिए ही, अब आपको पता है किसी को एमरजेंसी है या फिर एम्बुलेंस निकलनी है, यहाँ पर जाम इतना भी है। देखो गाड़ी ऐसे पार सामने खड़ी है, यहाँ से क्रॉसिंग के लिए अगर जाम लग जाएगा 2 मिनट में यहाँ गाड़ी अंदर घुस जाएगी। तो भी लोग बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग से आपको पता ही है कि कैसे चलते हैं। अब रोड इतनी कंजेस्टेड है कि यहाँ गाड़ियाँ क्रॉस होगी कि इंसान चलेगा।